ब्राइट एकदम कॉम ग्रुप एकदम अब तो 5-5% के लोअर सर्किट लगे चले जा रहे हैं। वो सेबी का शो कॉज नोटिस सामने आ गया है। आशीष हाँ अब तो निकलने के मौके भी नहीं दे रहा। आशीष सर क्या करूं? करीब 5 करोड़ शेयर के सेलर हैं आशीष इस स्टॉक में, तब आपसे और ज्यादातर रिटेल निवेशक ही हैं जो स्टॉक में ट्रैप हो गए हैं, और क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिखाए पिछले कुछ समय से अपने प्रॉफिटेबिलिटी के, पर एट द सेम टाइम मैनेजमेंट में अपनी होल्डिंग ओपन मार्केट में काफी सेल भी की है, तो जिसके चलते ये सेबी का एक्शन भी देखने को मिला है। तो मेरी सलाह रहेगी मैम कि जब भी आपको पहला मौका मिले इस स्टॉक में से निकल जाने का तो आप बिल्कुल निकल जाएं। इसको आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अब कंपनी में ये जो सेबी की इंक्वायरी आया है, जो फिक्टिशियस नंबर्स की बात हो रही है, तो इसके बाद ये स्टॉक में दोबारा से तो कोई बड़ी बाइंग आती दिखाई देती नहीं है। तो आप भी क्यू में लग के इस स्टॉक को बेचने की कोशिश कीजिए डेली सुबह 9:15 बजे, और जब बिक जाए तब इसकी बजाय आप, मेरा मानना है कि दो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो आप बाय कर सकते हैं। पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो लोअर प्राइस रेंज में है, इस स्टॉक पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और 3 साल आपको नजरिया रखना पड़ेगा। मेरा मानना है 3 साल में ही आपका, यदि 10-12 रुपए में भी सेल हो जाता है तो इसमें अच्छा पोटेंशियल मुझे नजर आता है 28 रुपए के लेवल। ऐसे ही दूसरा स्टॉक जो इसी रेंज में, वो है ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसको 31 रुपए अभी चल रहा है। इस स्टॉक पे भी आप बाइंग करके अगले 3 साल का लक्ष्य, इस स्टॉक का भी मेरा करीब 60 रुपए का रहेगा। तो इन दोनों में से कोई भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, बट इस भी जो ब्राइटकॉम है इससे आप बिल्कुल निकल